हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक ओरैकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज़ हम देखने वाले हैं आपके लाइफ में क्या नेक्स्ट बिग चेंज आ रहा है। ओके, हम राशियों के हिसाब से देखेंगे, हम एनर्जीज़ के हिसाब से देखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही होगा 100%। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो ऑलरेडी, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपको रेजोनेट करेगा ही करेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये और इसके आगे आने वाले वीडियोज़ आपको 100% रेजोनेट होना शुरू हो जाए। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट बिग चेंज क्या आ रहा है, बदलाव क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, ऐसा चेंज कोई ऐसा नहीं, छोटा मोटा चेंज नहीं देख रहे हैं हम, बिग चेंज देख रहे हैं, बड़ा चेंज हम देख रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत बेटर बन जाएगी। आप जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये कौन सा चेंज है जो आपको वहाँ पे लेके जा रहा है, उस प्रॉस्पेरिटी उस अबेंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है, ये कौन सा चेंज है, ये हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, उससे पहले मैं आज की प्रेयर्स के बारे में बात कर देती हूँ। बट बिफोर दैट, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 17 मेरा 12th अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कोर्स जो है सिर्फ 1000 रुपीज़ का है, 21 डेज़ का लंबा कोर्स होने वाला है और फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं। उसमें आपको आपकी इमोशनल हीलिंग कैसे करना है ये सिखाया जाएगा, निगेटिव लोगों से रिश्ता कैसे ख़त्म कर सकते हो ये सिखाया जाएगा, साथ ही एंजल्स कौन है क्या है, आपको अगर एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़, बटरफ्लाइज, रेनबोज, यूनिकॉर्न्स ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो क्यों दिखाई देती है, उनका मीनिंग क्या है और कैसे आप उनका अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा कर सकते हो उसके थ्रू, ये हम देखेंगे। साथ ही ये लेवल वन जो है उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं, जो बाहर 15,000 का कोर्स होता है वो सिर्फ मैं 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा गाइस, कॉल मत कीजिए क्योंकि मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ। व्हाट्सएप करेंगे तो रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ओके, व्हाट्सएप नंबर है 7666-157-456। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। बात करते हैं आज के प्रेयर्स के बारे में। आज के प्रेयर्स स्पेसिफिकली मैं कर रही हूँ जो नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। ओके, नेगेटिविटी जैसे कि ब्लैक मैजिक, खुद की नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, किसी की नज़र लगना, किसी के कारण ज़िंदगी में ख़राब माहौल हो जाना, ओके, रिकवर नहीं कर पाना, बैड हेल्थ इश्यूज़, नेगेटिविटी के कारण, इन सारी चीज़ों के लिए आज स्पेशल हीलिंग प्रेयर्स मैं कर रही हूँ। आज के प्रेयर्स को रिसीव करने के लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, ताकि आपका कमेंट जो है वो मैं पढ़ के आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूँ। ओके, ऐसे प्रेयर्स मैं हर वीडियो में करती रहती हूँ, तो डेफ़िनेटली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ रीडिंग। देखते हैं आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट बिग चेंज क्या आ रहा है, नेक्स्ट बड़ा बदलाव क्या आ रहा है, चेंज शिफ्ट क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स की ज़िंदगी में। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी व्हाट चेंज इज़ कमिंग अप, व्हाट चेंजेस आर कमिंग अप, वट बिग चेंजेस आर कमिंग अप, बड़े बड़े चेंजेस जिससे लाइफ चेंज हो सकती है, बेटर बन सकती है, ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ हमें ये बताइए। वी हैव क्रम्बलिंग, वट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू, ओके, बिग चेंजेस यूनिवर्स, बिग चेंजेस क्या आ रहे हैं यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, क्या क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, क्या बड़ा चेंज आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, क्या बिग चेंज, क्या बड़ा बदलाव आ रहा है। ओके ओके, लाइट्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल, ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक, नाइस।
ओके, नेक्स्ट बिग चेंज, नेक्स्ट बिग चेंज यूनिवर्स, नेक्स्ट बिग चेंज, प्लीज गिव मी कार्ड्स टू एक्सप्लेन नेक्स्ट बिग चेंज. ओके दैट्स ओके. ओके, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, गेट ग्राउंडेड. ठीक है, highly sensitive, connect with nature. Okay, what are you being called to journey to? I see आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा change जो आ रहा है वो आपके spiritual life में आ रहा है. Okay, आपकी spiritual life में आपके life purpose तक आप पहुँच रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है. ये सबसे बड़ा change आपकी life में होने वाला है. आपकी journey क्या है ये समझ पाओगे आप. कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या चेंजेस है आगे, क्यों हो रहा है ये, क्या है ये सारी चीज़ें समझते हुए आप मुझे दिखाई देते हो. एक जर्नी के साथ, अपनी खुद की जर्नी के साथ आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड आप जब अपनी जर्नी के साथ कनेक्ट होते हो, अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट होते हो ना गाइज, इट चेंजेस योर लाइफ. ये बदलाव आ जाता है लाइफ में, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है. कई बार ऐसा होता है कि हम गलत गोल्स सेट कर रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के हिसाब से नहीं होते हैं, और जब हम वैसे सेट करते हैं गोल्स तो अचीव करने में हमें दिक्कत होती है, इम्पॉसिबलनेस फील होता है. ठीक है, कठिनाइयाँ काफ़ी, ऑब्स्टेकल्स काफ़ी आते रहते हैं. बट जब हमें जर्नी पता होती है कि हमें करना क्या है लाइफ में, हमारा क्या गोल है, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए एक आसानी हो जाती है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि हमें रास्ता पता होता है. अगर गाड़ी लेके आप निकलोगे, आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो आप घूमते रहोगे, भटकते रहोगे. पर जब आपको पता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाना है, तो आप चाहिए तो GPS लगा के जा सकते हो, या फिर चार लोगों को रास्ता पूछते पूछते जा सकते हो. पर आपको जब पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो आप भटकते ही रहोगे, वहीं पे गोल गोल घूमते रहोगे. तो आपका एक लाइफ पर्पस मुझे दिखाई देता हुआ, समझ में आता हुआ, आपका गोल आप सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो आपका नेक्स्ट बिग चेंज होने वाला है. क्योंकि जब आपका डेस्टिनेशन क्लियर हो जाएगा, तो रास्ता भी आप आसानी से, आप में उतना दम है, आप में उतना पोटेंशियल है कि आप अपना रास्ता खुद बना लो. आप बहुत सारी कठिनाइयों से ऊपर उठे हुए हो, तो आप में वो है, आप में वो बात है कि आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो. आप, मुझे फील होता है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए. आपका ये एटीट्यूड है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे डेस्टिनेशन बता दो, मुझे एडवाइस करो, मुझे सही दिशा दिखाओ, मेहनत ही सही पर मैं करके आगे पहुँचूँगा. ये एटीट्यूड आपका मुझे दिखाई देता है, एंड दैट्स अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव. और जर्नी जब आपको आपकी पता चल जाएगी, आपका डेस्टिनेशन जब आपको पता चल जाएगा, तो इट बिकम्स वेरी ईजी कि आप वहाँ तक पहुँचे. ओके, मुझे ऑल्सो ये चीज़ दिखाई देती है कि आपकी ज़िंदगी में आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, गुड कर्मास, आपके गुड कर्मास मुझे काफ़ी दिखाई देते हैं. और जब अच्छे कर्म होते हैं ना, तो हेल्प बहुत मिलने लगती है. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि नहीं, मतलब मेरे कर्म भी अच्छे हैं, मैं इतना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता रहता है, ख़राब चीज़ें क्यों होती रहती है. आप बस समझ नहीं पा रहे हो आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है वो. दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से. हम कई बार हमारी ज़िंदगी में जो होता है ना, उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, जो हमारे पास होता है उसको ग्रांटेड ले लेते हैं. अच्छा है कि, मतलब ये चीज़ सही है कि आपको और की चाह है, होनी ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो आपके पास है उसको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है. आपकी ज़िंदगी में आपके अच्छे कर्मों की वजह से आप बहुत अच्छे फल पाते हुए मुझे दिखाई देता है. आप इन पास्ट, इस पास्ट नॉट पास्ट जन्म, ठीक है, इसी लाइफ के पास्ट में आपने किसी ऐसे नीडी इंसान की हेल्प की है, चाहे वो उस हेल्प को एक्नॉलेज, यानी कि मानता है, नहीं मानता है, थैंक यू कहता है, नहीं कहता है, बट उसके लिए, उसके थैंक यू के लिए हमने काम नहीं किया है. अच्छा, हमने हमारे कर्मों के लिए किया है, हमने उसको हेल्प के लिए काम किया है, और वो काम जो आपने किया है किसी नीडी इंसान को, इमोशनली आपने हेल्प की है, ये दिखाई देता है. फाइनेंशियली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिज़िकली की बात नहीं कर रही हूँ. किसी इंसान को इमोशनली स्टेबल होने में, या फिर उसको इमोशनली दिक्कतें थी उस वक्त में, आपने उसको सपोर्ट किया है, ये दिखाई देता है. और उस सपोर्ट की वजह से आपके गुड कर्माज में जो है बढ़त हुई है, ग्रोथ हुई है, और उसका आप अभी फल पाओगे, और उसकी वजह से एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा. ओके, उसकी वजह से, आपके गुड कर्मास की वजह से बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है. आई ऑल्सो सी कि आपको इस वक्त में
आपके माता की तरफ से बहुत हेल्प मिलेगी, वो बड़ा चेंज आपके लाइफ में होगा। अभी आपकी माता इस दुनिया में है या फिर नहीं है, ठीक है, माता हो सकता है, सास हो सकता है, अगर उनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन है, मैं दोनों हिसाब से आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आपका उन अपनी माता के साथ अच्छा कनेक्शन है या फिर था जब वो जिंदा थी, अभी नहीं है, माता आपकी मदर, आपकी नानी, आपकी दादी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मदरली फिगर आपकी लाइफ में, जो भी मदरली, कई कबार हमारी बड़ी बहन भी हमारी ज़िंदगी में एक मदर वाला किरदार निभा रही होती हैं। तो जैसे जिनको भी आप एक मदर एनर्जी मानते हो अपनी ज़िंदगी में, उनकी तरफ से आपको बहुत हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ का। आप अभी पूछोगे कि मेरा तो मेरी मदर के साथ ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तो उससे क्या चेंज आएगा? उनकी तरफ से हो सकता है आपको कोई एडवाइस मिले, कोई इनहेरिटेंस मिले, कोई हेल्प मिले, या फिर जो भी है वो आपको सही दिशा दिखाएंगी, वो आपको सही रास्ते पर लेके आएंगी। और अगर आपका आपके मदर के साथ या फिर सास हो सकती हैं, जो भी मदरली फिगर है आपकी लाइफ में, उनके साथ अगर अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो उनकी तरफ से हो सकता है कि कोई गलती हो जाए और उसकी वजह से आप ज़िंदगी में जो है आपका भला हो जाए। हो सकता है ना कि सास के साथ मेरा भी अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि वो अनजाने में आपकी हेल्प कर दे, यानी कि आप उनकी तरफ से कोई ऐसे गलत कदम पड़े जिसकी वजह से आप सही हो, ये प्रूव हो जाए और वो चेंज हो जाए आपकी लाइफ में, वो बड़ा चेंज हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस आ रहा है, चेंज तो आ रहा है भाई, पर उसके लिए ऑब्सेस करना बंद करो, ओके थोड़ा सा लाइफ एन्जॉय भी करना सीखो, है ठीक है। बाकी स्पिरिचुअलिटी है, सही है, पैसा कमाना है, सही है, शादी करनी है, सही है, लव रिलेशंस बनाने हैं, सही है, बट एट द सेम टाइम अपने लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप क्या कर रहे हो। करियर पे फोकस करना ज़रूरी है, लव पे, पर्सनल लाइफ पे, सब पे फोकस करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आप एन्जॉय कर रहे हो क्या, आप खुश हो क्या? अगर आप कल को खुश बनाने के लिए आज आप अपसेट हो, तो फिर ये किस तरह की खुशी हुई, राइट? फिर कल का दिन जब आज बन जाएगा, तब फिर भी आप अपसेट होगे कल फ्यूचर के लिए, तो ये साइकिल तो गलत है लाइफ में। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि टेक अ ब्रेक, ठीक है। लाइफ को एज अ वर्क मत देखो, लाइफ को एज अ स्ट्रगल मत देखो, ठीक है। लिव वन डे एट अ टाइम एंड लिव हैप्पीली, ठीक है। नेक्स्ट अ बिग चेंज आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप उन खुशियों को समझोगे, उन खुशियों को जियोगे, वो भी आज में, ओके। जब आज आपका आप हाथ में लेते हो, खुश रहते हो, तो कल भी आपका बेटर बनना है। ये जब रियलाइज़ आपको हो जाएगा, उस दिन से आपके लाइफ में चेंज आएगा, ओके। आई ऑल्सो सी जो फर्स्ट कार्ड आया था आपकी ज़िंदगी में, आप ना नेगेटिविटी, कोई नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, उसको आप पकड़े जकड़े रखे हो, उसको रिलीज़ करो, तभी एक बिग चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ओके। और वो बिग चेंज जो होगा, वो मुझे दिखाई देता है आपके इमोशनल लाइफ में होगा। इमोशनल लाइफ में आपके चेंज आता दिखाई दे रहा है, यानी कि इमोशंस पे आप अपने काबू पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पत्थर दिल बन रहे हो, बट आप इमोशंस पे काबू पा रहे हो। आप किसी के भी सामने इमोशंस ओपन कर देते हो, या फिर लोग आपके इमोशंस जान के आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कंट्रोल आता हुआ आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट बिग चेंज आपका दिखाई देता है, कि आप अबेंडेंस की तरफ भी तभी बढ़ पाओगे जब लोग आपका फ़ायदा उठाना बंद कर देंगे, और लोग आपका फ़ायदा उठाना तब बंद करेंगे जब आप ऐसे सबके सामने पत्ते की तरह बिखर नहीं रहे हो, ठीक है। एक स्ट्रांग फ्रंट रखो अपना, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी रखो। हर एक के सामने आप रो दोगे, हर एक के सामने, सिर्फ रोना ही इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। सबकी तरफ आप ऐसा अगर प्रिटेंड करोगे कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, आई नीड इट, ये वाला अगर आप एटीट्यूड रखोगे, सभी के सामने ऐसा ही बिहेव करोगे, तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। इसको ज़रूरत है, इसका फ़ायदा उठा लो, छोड़ दो इसको, और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा अपने अगेंस्ट, ये वाला एटीट्यूड लोगों का हो जाता है। दुनिया जितनी अच्छी दिखती है, उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये चीज़ कि आपको अपना इमोशनल जो है स्ट्रेंथ रखनी है, और यूनिवर्स आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाते भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। राशियों के हिसाब से भी देख लेते हैं आपको क्या मैसेजेस हैं, किसी अगर स्पेसिफिक राशि के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आता है तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि नेक्स्ट बिग चेंज क्या आ रहा है। यूनिवर्स
यूनिवर्स प्लीज शो अस नेक्स्ट बिग चेंज कमिंग अप इन माई सब्सक्राइबर्स लाइफ. ओके नेक्स्ट बिग चेंज कमिंग अप. नेक्स्ट बिग चेंज. नेक्स्ट बिग चेंज. ओके नेक्स्ट बिग चेंज कमिंग अप. ओके बी बोल्ड मेक द फर्स्ट मूव. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. दैट्स ग्रेट. Next big change. Next big change. Next big change. I have a strong intuition to take the card back of the deck. Okay. Energy is gaining momentum. And I need one more card. बस वन मोर कार्ड. ठीक है ये ले लेते हैं. ठीक है आई सी आपकी ज़िंदगी में स्पेशली मैं कहूँगी नेक्स्ट बिग चेंज कौन सा है ये अभी स्पेसिफिक बताऊँगी मैं राशियों के हिसाब से. आई सी कर्क वृश्चिक मीन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है. ये सबसे बड़ा चेंज है आपकी लाइफ का. आपको लगेगा कि और क्या ग्रोथ होनी है बट डेफिनेटली एक चेंज स्पिरिचुअल. जब आप जर्नी में होते हो ना लोगों को लगता है कि अभी स्पिरिचुअल जर्नी में है तो सब कुछ अच्छा चलेगा ऊपर 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 जाएगा. बट स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले आप क्या करते हो आप रॉक बॉटम हिट करते हो. ठीक है तो इसमें मुझे दिखाई देता है कि अब आपका जो है स्पिरिचुअल चेंज जो है वो ग्रोथ की तरफ ऊपर जा रहा है. अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है. ठीक है तो अभी क्या खोगे उस पर टेंशन मत लो क्योंकि नेक्स्ट बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी है अबेंडेंस है. ओके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए कहा मैंने ये कर्क वृश्चिक मीन के लिए. मुझे अभी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृष कन्या मकर राशियों के लिए दिखाई देता है. आपने जितना हार्डवर्क किया है ना किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो ये दिखाई देता है. ओके और वो हार्डवर्क जो है वो अभी फलेगा और ये चेंज लाएगा आपकी ज़िंदगी में ये दिखाई देता है. किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो. ओके वर्किंग योर एस ऑफ कहते हैं ना वैसा वाला एकदम हार्डवर्क कर रहे हो और उसकी उसी में आपको ग्रोथ और अबेंडेंस आता दिखाई दे रहा है. ठीक है वी ऑल्सो हैव एरिस लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि के लिए. आप मुझे दिखाई देते हो कि सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में ये आ रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है. आप कॉन्फिडेंस के साथ अभी फर्स्ट स्टेप ले रहे हो या फिर एक स्टैंड ले रहे हो अपने लिए. ठीक है जो जुल्म लोगों ने किया है जो ग्रांटेड लोग ले रहे हैं उनके अगेंस्ट कॉन्फिडेंस या फिर पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस या फिर जो भी है इस तरह का कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो चेंज होगा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा. ठीक है ये मैंने कहा एरिस लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि के लिए. अब लास्ट है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए. ओ सॉरी गलत कार्ड उठा लिया मैंने. आपकी ज़िंदगी में आपने जो वर्क कर रखा है ओके यानी कि हो सकता है कि पीछे आपने कुछ अच्छा काम किया है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी वजह से अभी वो इन्वेस्टमेंट आपकी फलती हुई दिखाई देती है. ठीक है यानी कि जैसे मैंने कहा इनके लिए मैंने हार्डवर्क कहा है आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपने कुछ कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आप अच्छे रिजल्ट्स पाओगे. ठीक है ये रीडिंग में भी आया था तो डेफिनेटली ये रेजोनेट हो रहा है कहीं ना कहीं आपको. ये स्पेसिफिकली मैं कहूँगी मिथुन तुला कुंभ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वालों के लिए. ठीक है सो ये था रीडिंग गाइस आपके लिए नेक्स्ट बिग चेंज इन योर लाइफ. मैं प्रेयर्स करूँगी स्पेशल कि आपकी ज़िंदगी में ये नेक्स्ट बिग चेंज जल्द से जल्द आए और आप ग्रोथ की तरफ बढ़े अबेंडेंस की तरफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े और ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स आपके जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए. ओके अगर आज का रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. साथ ही प्रेयर्स एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें. ऑल्सो गाइज एंजल थेरेपी का बैच नंबर 17 शुरू हो रहा है 12th ऑफ अक्टूबर से. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए और व्हाट्सएप पे 7666-157-456 ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.
एंजॉय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।